ना। हाँ गंगू भाई का। मेरे को मत दिखाओ। नहीं आपको नहीं दिखाई। चलो आप चलो। नहीं मेरे को फोटो है। राइट में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर एक बार अपन आए हैं नए वीडियो के साथ। वैसे तो आज मैं अकेला जा रहा हूँ चर्चगेट की तरफ। चर्चगेट मुझे काम है एक रशीद भाई के पास, एंड एक कैमरे की बैटरी खरीदनी मुझे, तो मैं जा रहा हूँ अभी रशीद भाई के पास, क्योंकि आज फैजान भी नहीं है। तो इतना दूर अकेला जाने को बहुत ज्यादा बोर होता है। आज का काम मुझे कल पे ढकलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोला कि नहीं भाई मैं जाऊँगा अकेला, तो अकेला चले यार कोई दिक्कत नहीं है। रिक्शा वाले को देखो, ऐसे रिक्शा वाले करते हैं। यहाँ से गाड़ी जाने की जगह नहीं है, तभी भी इसने यहाँ से गाड़ी घुसा दी। इधर क्या हो गया भाई, इधर क्या हो गया। चलते चलते कुछ बात करेंगे अपन। तो वैसे मैंने कल गया था मैं काठियावाड़ी मूवी देखने, गंगूबाई मूवी देखने, गंगूबाई काठियावाड़ी। और बहुत ही खतरनाक वाली एक्टिंग की आलिया भट्ट ने, मतलब सच्ची में मुझे इतना पर्सनली आलिया भट्ट इतनी पसंद नहीं है, बट जो एक्टिंग देखा ना मैंने आलिया भट्ट की, भाई इम्प्रेस हो गया आलिया भट्ट से। बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे ना मूवी को कुछ 3.5 स्टार मिले आई गेस, बट मूवी बहुत खतरनाक बनाई है, सुपर हिट मूवी बनाई है। लाइक कमाटीपुरा के ऊपर बनी हुई है मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। तो ज़्यादा देर हमको लगेगा कमाटीपुरा, तो मैं आपको अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे शूट हुआ है और कहाँ का सीनारियो है, मतलब कहाँ की प्लेस थी वो जहाँ पे गंगूबाई रहती थी, वो भी प्लेस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट श्योर अगर वहां से जाते हैं तो अगर लगी वहां पे मिली अपन को रास्ते में वो प्लेस, तो मैं आपको दिखाऊंगा। होगा भाई चलो फास्ट लाइन में खड़ा हो, इतना टाइम लगा रहे। फास्ट चलो फास्ट साइड में कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक दिख रहा है मुझे आजकल। इतना ट्रैफिक है, 1 किलोमीटर जाने के लिए 10-10 मिनट लग रहे हैं। वैसे कामाटीपुरा 4 मिनट पे वो गली से अगर रास्ता जाएगा तो अपन वहाँ पे रुकेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि गंगूबाई का मतलब घर कहाँ पे था एंड वो कहाँ पे एग्जैक्ट रहती थी। हेलो रशीद भाई, अपना कैनन G7X मार्क टू का बैटरी मिलेगा क्या? तो जो डुप्लीकेट है वो कितने का आएगा? 1200-1300 रहेगा। अभी अवेलेबल है क्या आपके पास? करवा दूंगा। अच्छा ओरिजिनल का कुछ कर सकते क्या? ओरिजिनल का नहीं, माल ही नहीं आ रहा है। ठीक है चलेगा। तो भाई चलते चलते मैं आ गया हूँ कामाटीपुरा। ऐसे कुछ गली है कामाटीपुरा की, तो यही वो गली है जो आपने मूवी में देखी होगी, जो कामाटीपुरा की गली एकदम डेंजरस दिख रही है मुझे तो इसे वीडियो में। और ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर शूटिंग इसके अंदर ही हुआ है क्या? तो यही वो बिल्डिंग है इसके अंदर शूटिंग हुआ है। तो ये कौन सी एरिया का नाम क्या है? ये 14 गली कामाटीपुरा ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे। हाँ गंगू भाई का। मेरे को मत दिखाओ। नहीं आपको नहीं दिखाई। चलो आप चलो। किधर है? राइट में। ये देखो गाइस, ये रही असली गंगूबाई की मूर्ति, लिविंग मेमोरी ऑफ गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी। डेट क्या है? 9/8/1977 ससा रत्न अलियास। तो ऐसे कुछ इनके मेमोरी में यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आना तो मतलब बहुत रिस्की तो है,
बट यहाँ पे जैसे मैं गली में एंटर किया तो लाइक काफी लाइक लोग यहाँ पे थे, लाइक आदमी लोग थे, वो लोग मुझे पकड़ रहे थे लिटरली। जो भी यहाँ पे जो होता है, जो एक्चुअली ये रेड लाइट एरिया है, तो लोग खींचते हैं सब लोग यहाँ पे अपन को। पहले तो मैं देखता रहा कि मूवीज में देखा है कि लड़कियां खींचती है, यहाँ पे तो भाई एजेंट लोग सब लोग है जो खींच रहे थे मुझे। तो मैं मानता हूँ कि कामाटी पूरा जो एरिया है उसका नाम बहुत खराब है, बिकॉज ये रेड लाइट एरिया इसलिए खराब है। यहाँ पे जो भी आदमी आता है, मतलब समझो कोई अच्छा मतलब स्मार्ट इंसान अगर कोई घुसता है, स्मार्ट बताया, कोई भी लड़का अगर जाता है वहाँ पे, तो उन लोगों को लगता है जहाँ पे जो लड़के होते हैं वो लोग दलाली करते हैं लिटरली। तो यहाँ पे दलाली होती है, एक कामाटी पूरा की रियलिटी में तुम लोगों को बता रहा हूँ। सी अपन तो कुछ गलत काम करने यहाँ पे आए नहीं है, तो मैं जस्ट वो गंगू भाई का दिखाने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे मीडिया बहुत सारी है। जब से मूवी रिलीज हुआ है तब से यहाँ पे बहुत सारी मीडिया जा रही है वहाँ पे गंगू भाई के लाइक स्टैचू के वहाँ, एंड वीडियो वगैरह शूट करी है, जैसे कि वहाँ पे मुझे बताया। मैं उनको जस्ट पूछा, सी मेरे दिल में कुछ गलत नहीं है, मैंने पूछा कि जस्ट गंगू भाई का स्टैचू मुझे देखना है, तो वो लोग मुझे ऊपर लेके गए। उन्होंने कहा कि बस हमारा वीडियो मत लेना, ऊपर लेके जाके मैंने गंगू भाई का जो स्टैचू था जहाँ पे गंगू भाई रहती थी उसका मैंने वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया। कामाटीपुरा में जब मैं अंदर गया तभी एक आंटी थी, मतलब वो अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी मेरे साथ, मतलब वीडियो वगैरह बनाने दे रही थी, तो उन्होंने मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट की, एंड गलत तरीके से मुझे देखा नहीं उन्होंने, पहली बात तो ये है, एंड रिस्पेक्ट किया। वो लोग मतलब इंसान देख के वो लोग हरकतें करते हैं, वो लोग किसी के साथ भी हरकतें नहीं करते। पहली बात तो जिस तरीके से लाइक लोगों ने नाम खराब करके रखा है पूरा, अभी क्या है उनकी मजबूरी है, जो भी है वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मास्क पहनो गाइस, मास्क देखो लेफ्ट साइड में देखो, अभी भी बीएमसी मास्क नहीं पहनने वाले को पकड़ रहे, रिक्शा को रुका है। तो भाई आ गए हैं ब्लैक एंड ब्लैक पेन के, तो यही वो बंदा है गाइस, आपको बता रहा था। अभी तो वैसे स्कूल एंड कॉलेज चालू हो गए, ये बंदे का कॉलेज खत्म हो गया, अभी भी बंदा है आज कॉलेज में रोज डे सेलिब्रेट करने गया था लड़कियों के साथ। तो ये गाइस कमेंट में बताओ गलत है या सही है। ओके सो गाइस, हम लोग आए हैं कोलीवाड़ा में बजान बेग ब्लॉग के साथ। कोलीवाड़ा में आज हम लोग फिश एक्सप्लोर करने वाले, फिश है ना वहाँ पे वो दिखाएंगे। हम लोग सही टाइम पे आए क्योंकि सब बोट आ गई है, तो यहाँ पे मस्त पे की बड़ी बड़ी मच्छी देखने मिलेगी। मुझे आवाट एक दिलाया मोटा वाला 600 रुपए। तो बड़ा प्रॉन्स है भाई साहब, लेना क्या क्यों प्रॉन्स को पसंद है भाई, 400 में मिलेगा तो 400 में देने भी अच्छे हैं। 600 बोल रहे हैं, 600 400 बोले देगा ना, बार्गेन करने का स्किल बहुत है ना वो बाबू। ये केकड़ा मर गया ना, केकड़ा ये केकड़ा 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 देखो कितना बड़ा है। बोर्ड कितने दिन के बाद आया? 20 दिन। ये देखो कितना बड़ा केकड़ा है, लॉबस्टर है, लॉबस्टर। 2 मिनट तो गाइस वैसे तो हम लोग आए थे प्रॉन्स खरीदने के लिए यहाँ पे, बट प्रॉन्स मिला नहीं हम लोग को, बिकॉज प्रॉन्स बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, तो ज़्यादा ही महंगा है क्या बोलते हैं, कंपेयर टू मलाड एंड भाऊ का धक्का वलसा में बहुत ज़्यादा महंगी मच्छी बिकती है यहाँ पे। कि ये लोग ना यहाँ पे रेट्स कम करते ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगा बेचते। फ्रेश जूस बन रहा है अभी, फ्रेश कितने रुपये का ग्लास है? 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपये। चाय बंद हो गया अभी, गर्मी चालू हो गई, अभी सिर्फ गन्ने का जूस पीने का।